हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो सनी सर, हाउ आर यू? हाय करण, हाय सावंत, हाय विशेष, कैसे हैं आप? बहुत बिजी हैं तुम कल आना, चलो। तू क्या कड़ी बन के घूम रही है? कोई चावल मिला के तुझे खाना जाए? डोंट टेक हिम सीरियसली, ये इसे मजाक करने की आदत है सर। तू भी किया कर, चैनल तेरे घर बुके भेजेगा जिस दिन तूने किया। कप्पू मुझे प्लीज गेस्ट से बात करने दो, थैंक यू वेरी मच, कीप क्वाइट नाउ। सनी सर, जैसे आप एमपी हैं, वैसे मैं अपनी होटल की यूनियन की तरफ से प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी हुई हूँ। कौन सी यूनियन? पूरे इलाके में एक होटल है। और क्यों इतनी अच्छी रहीम चाचा के खेतों में तुझे जॉब मिली थी? ऐसे करके मुंह पे मटका डाल के पंछियों को डराना, कितना अच्छा था वो। इतने अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। देखो, भूरी को रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन भूरी सबसे पहले अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, यू नो अर्चना मैम। अरे चलो नारे लगाओ, वरुण डेविड का बेटा है, भूरी हमारी नेता है। वरुण डेविड का बेटा है, भूरी हमारी नेता है। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा, स्क्रिप्ट भेजो मेल में, बाप तेरा जेल में। ये क्या? तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से नहीं, मैं अगले साल शो के लिए यूएस भी जा रहा हूँ। प्रमोशन शुरू, अभी से हर एपिसोड में सुनना पड़ेगा। एक सेकंड, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? प्लीज नारे लगाओ। मैडम पहले हमारे पैसे दो। ये भी पैसे देके लाई है? तुम लोगों ने क्या ये पैसे पेमेंट लगा के रखा है? 9 साल से मैं यहाँ पे हूँ, निकलवा दूंगी तुम सबको। मैडम आपकी वजह से तो हमें ट्राई किया जा रहा है। फालतू बातें मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। 1 2 3 4 भूरी की होगी पक्की हार। 1 2 3 4 भूरी की होगी पक्की हार। करण कांग्रेचुलेशंस आपकी फिल्म के लिए, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मेरी एक शिकायत है, हीरोइन के रोल के लिए आपने मुझे क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनकी फिल्म का बजट था, तेरे पास वो आते नल्ले होते जो। इधर बता आज क्या करने आई इधर? मैं सनी सर से चुनाव के टिप्स लेने आई हूँ। जिसे तू टिप्स बोलती ना, उसे आम सभ्य समाज पैसे बोलता है। ये पैसे मांगने आई है। वैसे विश्वास, मैंने आपकी फिल्म देखी चिलर पार्टी, मुझे तो बहुत मजा आया, आई रियली लव इट, सो मच फन। जिस समय तुम चिलर पार्टी में काम करते ना, ये चिलर इकट्ठे कर करके पार्टी कर रही थी। ओए, कम से कम सपोर्टिंग कास्ट तो चेंज कर लिया करो, इधर से घूम के इधर आ गए, हद हो गया। नारे लगाने वाले बंदे भी सेम रखे दोनों ने। कपूर शर्मा, इसको शो के बजट के इशू कहते हैं। और बाहर जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं उसका पता है? शो का बजट इशू कहते हैं। यार तुम लोग क्या सुन रहे हो मेरी बेइज्जती? तुम शुरू हो जाओ, हमारा नेता कैसा हो पहले हमारा पैसा दो। यार मेरी बात सुनो, तुमने ये बोलना है कि चंदू जैसा हो, ठीक है? चंदू जैसा भी हो, हमें हमारा पैसा दो। यार मैं पैसा लेकर तुम्हारा भाग रहा हूँ? मैं दे दूंगा, तुम्हारी पेमेंट भी दे दूंगा, मुझे चुनाव तो जीतने दो। चुनाव जीतने के बाद मैं तुम्हें 3 days 4 nights का स्टे भी दूंगा, वो भी मालदीव्स में। ओ, खुद तू कभी अहमदाबाद नहीं गया? उनको मालदीव्स भेज रहा है। तुम क्या हंस रहे हो? हंस रहे हो भाई? यहाँ से 7 6 5 4 क्या बार है, क्या बार है। ओए ओए ओए, पाजी सत श्री अकाल। हेलो गाइस। हेलो, आप सबकी फिल्म वेले के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म नहीं, फिल्म। फिल्म 15 साल हो गए इसको बॉम्बे आए, आपकी फिल्म आ रही है। फिल्म आपकी फिल्म के लिए। आपको आपकी मूवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ठीक है? जैसे आप फिल्म में वेले बने हो ना, ये हमारे रियल है। खैर पाजी, मैंने फिल्म मूवी का चंदू पिक्चर बोल दिया। पिक्चर के वो स्पेलिंग पूछ लेगा, मैं कहाँ जाऊंगा फिर? मूवी के सुना दे फिर। सर मैंने मूवी का ट्रेलर देखा, मैंने बड़ा मजा आया सर मुझे। चंदू ये बात मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ, तुम क्यों दोबारा रिपीट कर रहे हो? तो मुझे ज्यादा मजा आया ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कुछ भी। और तुम दोनों की बात सुन के जो हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, उसका क्या? इतनी बड़ी लड़की हो गए, चिड़िया का मुंह लगा के घूम रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है?
आप इन्हें इग्नोर कीजिए, एक्चुअली चंदू ना कप्पू का बचपन का दोस्त है, तो बस सर पे चढ़ा के रखा है और कुछ नहीं। मैं तो घोड़ी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो एक बार। और उस दिन बीच में पता है शादी हो गई थी पक्की। हाँ, घोड़ी लेके आए, घोड़ी चने खा रही थी, घोड़ी का मुंह भरा हुआ था, उसने इसको देखा दूल्हा ऐसा, सारे चने कर दी। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? चंदू प्लीज मुझे बात करने दो। नहीं नहीं, गेस्ट से पहले मैं बात करूंगा। पाजी माई सेल्फ इज चंदू। उन्होंने पूछा तेरे से? मतलब, और जब बोल दो ना कि माई सेल्फ, तो छाती पे हाथ रखना जरूरी नहीं है। माई सेल्फ का मतलब यही होता है कि मैं ही हूं। हद है यार। तुम खड़ी खड़ी क्या दांत निकाल रही हो उधर? इतने गेस्ट आए हैं अच्छे अच्छे, तो उनके सामने मुझे तुमने ना कोई फ्लाइंग किस की है, ना कोई हक किया है, ना कोई शक किया है। कोई एटिकेट सीखो। ये दिख रहा है? सनी सर, आप देख रहे हो, मुझे इस आदमी के साथ 8 साल से काम करना पड़ रहा है। और मुझे इन दोनों के साथ काम करना पड़ रहा है। देखो, ये 40 का हो गया, वो 30 की, 70 के हो गए, धेले की अकल नहीं है। देखा, तुम्हारी वजह से मुझे हर बार बातें सुननी पड़ती है। मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ, तुम तो भी हो। हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो हमारे मम्मी पापा से बात करो, ऐसे हम शादी नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो चंदू, गेस्ट के सामने तुम कैसे बात कर रहे हो? हाँ, कैसे बात कर रहे हो? बात करने का एक लहजा होता है, एक तमीज होती है, व्यवहार होता है। जब से इन्हें आशुतोष राणा के घर का काम पकड़ा है ना, ये बड़े नए नए शब्द सीख के आई है आप। देखो आप, तुम आशु सर के यहाँ काम कर रही हो? मैंने तुम्हारी बादशाह तरूर के यहाँ की थी। क्यों? हाँ, वहाँ जाती तो 4 वर्ड इंग्लिश के भी सीखती और मुझे भी सिखाती। नहीं तो जो पहले मार्केट में एबीसी घूम रही इतने सालों से, वो तो तुझे आई नहीं, वही सीख ले पहले। ओ यार, मुझे उस एबीसीडी से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल फोबिया है। एक सेकंड, कोलेस्ट्रॉल नहीं, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। चलो जो भी है, मुझे वो है। ये बड़ा पाजी बेवकूफ है, पता है? ये गया अपने भाई के साथ डॉक्टर के वहां पे, तो इसने कोलेस्ट्रॉल चेक किया, इसका ज्यादा निकला, तो कहता जितना ज्यादा है वो मेरे भाई को दे दो, इसका कम है। तो ऐसा नहीं होता, कौन समझाए इनको? तो मैं अकेला मांगता हूँ, वो भी तो मांगती रहती है कुछ भी। पाजी, मांगने की ऐसी हद है, पैदल आदमी से लिफ्ट मांग रही थी, कहती भैया मुझे वहां तक छोड़ दो, कहता मेरे पास बाइक वाइक नहीं है, कहती कोई बात नहीं, भगवान ने कंधे तो दिए हैं ना। ये ले, थैंक यू। खा ले काजू। काजू के बाद में तुम स्पेलिंग पूछो कि मैंने नहीं खाने। अब अगर तुमने कुछ और बोला ना, मैं तुम्हारे गाल पे इनकी ऑपोजिशन पार्टी रख दूंगी। मतलब? मतलब हाथ। अच्छा, आज की लड़की मैं चुप नहीं रहूंगी। आज की लड़की क्या मतलब, तुमने कल लोमड़ी बन जाना है? और मेरी बात सुनो, थोड़ा तुम कॉन्फिडेंस रखो। नहीं नहीं, तुम स्पेलिंग पूछोगे? नहीं नहीं, तुम थोड़ा विश्वास रखो। तुम कल भी लड़की रहोगी, परसों भी लड़की रहोगी, और हो सकता है तू भी हो जाए कल को लड़की इसी जगह पे। खैर अजी, प्लीज, मैं चाहता हूँ कि मैं भी पंजाब से हूँ, आप भी पंजाब से हैं, तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए सर, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं इलेक्शन जीत कर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमूं। तेरे खानदान में किसी ने देखी लाल बत्ती? मेरे चाचा जी की बात थी, वो मोमबत्ती थी। लाल बत्ती। I'm good. How are you? Hello, sir. Hi. How are you? तू प्यार करते करते थक गई पर वो नहीं माना। Thank you so much, sir. Hello, sir. How are you? I'm good. Thank you. मुझे भी hello कर ले, मैं हाथ गंदे। कितनी बार कहा सीधी सीधी एंट्री लिया करना, आज क्या आई? तुझे पता नहीं है, किसने बताया नहीं, तू बड़ा गंदा डांस करती है। सिद्धू पाजी। हाँ जी। इश्किया मौसम एक अर्ज किया है। हाय 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 हाय। वाह, क्या बात है। फूलों की महक जैसे हैं हम, कोई पहचाने तो सही। वाकई वाकई काबिले तारीफ। फूलों की महक जैसे हैं हम, कोई पहचाने तो सही। काबिले तारीफ। दिल क्या चीज है, जान भी दे दे, कोई माने तो सही। वैसे ये खास कप्पू तुम्हारे लिए। तो स्वीट कितने का लगाया? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैं बलून बेचने वाली दिखती हूँ? नहीं लगती तो नहीं, तू पक्का चुरा के लाई कहीं से? किसके चुराए हैं?
कभी कभी तो कुछ तो ढंग का सोच लिया करो। सर देखा आपने, रात भर मैंने गुब्बारे फुलाए और ये खुद मुंह फुलाए बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर ये ढंग का सोचता तो यहाँ थोड़ी होता। गुब्बारे फुलाना कौन सी बड़ी बात है सर, इतने बड़े इसके होट है, छे छे एक साथ फुला लेती है। और बड़ी बात ये, दो तो नाक से भी फुला लेती है ये। रितेश कोई कैसे नाक से फुला सकता है, लाइक सीरियसली। मैंने खुद देखा परसों, उसको जुकाम था, दो गुब्बारे फुला के घूम रही। देखो कपू, मैंने ना बहुत प्यार से तुम्हारे लिए गुब्बारे फुगाए, तो कभी इन गुब्बारों को ना कान में लगाओ, इनमें भरी जो सांस की आवाज आएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगी। वाह, चोर चोर चोर। ए, मेरे गुब्बारे लेके क्यों भागी? देखा, मैंने कहा था ना। एक सेकंड, क्या भागी मतलब? अरे मैं भागी तो पकड़ नहीं लेता मुझे। मुझे देख के लगता है वो भाग सकता है तेरे पीछे। अरे सर ऐसी बात नहीं है, भाग तो मैं सकता हूँ, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, इसके पीछे कौन भागेगा भला। बुरी, गुब्बारे दे वापस उसके, और जितनी तुम्हारे में हवा भरी ना, तो गुब्बारे छोड़, बीन बैग फुलाया कर। पक्का मैंने पहली बार देखा है कि गुब्बारा गुब्बारे बेच रहा है। देखा बाजी, हमने एक कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं करती है, ढोंग करती है, ये गुब्बारे चुरा के भागी। आज अगर सच्चे प्यार की अगर भूरी को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े ना, तो आज मैं दूंगी बाजी। अग्नि परीक्षा सीधा बोल, बीड़ी पीनी धर को। इंद्र सर पता है, मैं हर सोमवार को नंगे पैर सिर्फ इसके लिए मंदिर जाती हूँ। नंगे पैर मेरे लिए नहीं जाती, तो नंगे पैर इसलिए जाती ताकि वहां पे नए जोड़े मिले। नंगे पैर जाती है, एक जोड़ा पहन के आती है, छह जोड़े बगल में लेके भागती है। और फिर ये सेल लगाती है उधर, और सेल भी लगाती है मुंह पे मफलर बांध के ना, ऐसे पता नहीं चल देती है आदमी के हाथ में, छह के चार, छह के चार, सब पता ना। देख रहे हो पाजी, अब इस बंदे को मेरी बिल्कुल कदर नहीं करता। तो बहुत देर से देख रहा हूँ, मतलब रोज डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रपोज डे, सब पे विश करती हूँ, लेकिन इसका रिप्लाई कभी नहीं आता। तेरे पास ये डे सूट ही नहीं करते, तेरे पे वो सूट करते, लिफ्ट दे, तीन पत्ती दे, डबल जीरो कमाम दे, ये सब सूट करता है तेरे पे। तीन पत्ती कैसे खेलती है वो तो दिखा दे रहा। ये क्या करती है अभी, अब इधर आके सोफिस्टिकेटेड बातें करती है। हेलो अजय सर, हेलो रितेश, हेलो इंदु जी। बाहर ऑटो वाले को पता क्या बोलती है ऐसे, ए निकालना तीन पत्ती, चल तेरा। तू रहने दे कप्पू, प्लीज रहने दे। देख अजय सर को देख, वो कितना प्यार करते अपनी वाइफ काजोल मैम से। तो काजोल मैम को भी देखो, बंगाल की ब्यूटी, तू क्या भांडुप की टूटी। अरे टूटी की ब्यूटी तुम क्या जानो कप्पू बाबू। अरे मैं तो बताना भूल गई पाजी, मैंने पता इंद्र सर को अपना ऑडिशन दिया था टोटल धमाल फिल्म के लिए। हाँ, याद है, याद है, याद है। पर उन्होंने नहीं लिया ना, भी उन्होंने चिंपैंजी रख लिया ना। तुम्हारी ये बकवास के चक्कर में ना मैं भूल गई कि मैं अपने गेस्ट के लिए ना मैंने रुमाल बना के लाई हूँ, पता है? मेन काम पे आ गई ना। सारे गेस्ट के लिए। पाजी, पाजी, पाजी मैं बर्बाद हो गई, पाजी मैं बर्बाद हो गई। क्या हो गया? पाजी मैं लुट गई। क्या हो गया? मैं तो आ गई, आ गई, लुट गई। वाह। चिनिलिया मैम को नहीं लेके आए? इंद्र सर, बीवी,
सर काजोल मैम। बेटा इनकी फिल्म आ रही टोटल धमाल, उसमें काजोल मैम या उनकी सबकी बीवियां नहीं है। अच्छा सॉरी, सिद्धू भाजी का फिल्म में क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं है। तो वो भी तो आए हैं ना। ये ना सारे बंदे होते ही ऐसे हैं ना, सिद्धू भाजी अपनी वाइफ को लेके आते हैं, शादी से पहले ये भी लाते थे अब ये भी नहीं लाते, आप लोग भी नहीं बीवियां लेके आए। चलो ये तो कुछ भी नहीं, नील आर्मस्ट्रांग भाजी वो भी चांद पे अकेला ही चल गया बीवी के बिना ही। और क्या नहीं तो अजय जी आपने देखा है चांद ऐसा थोड़ा दाग दाग वाला होता है ना, अगर नील आर्मस्ट्रांग अपनी बीवी को लेके जाते ना तो उन्होंने भाजी गीले कपड़े से इसे स्टूल पे चढ़ के चांद को चूकू चूकू करके ऐसे साफ करना था ना कि चांद ने लिसक जाना था। मेरा तो मूड ही खराब कर दिया इस बंदे ने। अभी अभी तो आप रोती हुई आ रही थी। मैं कब रोती हुई आ रही थी? मैं क्यों रो? अभी तो मैं रोती हुई आ रही थी। थैंक यू ये देखिए इंद्र कुमार जी, ये देखिए चूहे ने मेरा सारा शर्ट कुतर दिया, मैं क्या करूंगी? अभी ये चूहे ने नहीं, किसी चूही का काम है ये। रुमाल रुमाल देखो इनके हाथ में। एक मिनट, हाय मैं मर गई। क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे थे आप? भाभी आपकी बहन ने काट के बनाया है रुमाल आपकी ड्रेस में से। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अजी इसको बचपन से मैंने पेट काट काट के पाला है और आज उस लड़की ने मेरा शर्ट काट के रुमाल बना दिया, अब मैं रुमाल कैसे पहनूंगी? भाभी रुमाल कौन पहनता है? रुमाल तो नाक पोंछने के लिए होता है। वो तो पर्दे होते हैं ना। पर्दे इसलिए होते हैं कोई ताक झांक ना कर सके। ताक झांक ना, उसके लिए तो की होल होते हैं ना, उसी की होल से तो हम देखते हैं कि आपके घर कौन है। ओए होए अजय देवगन। अरे दीदी क्या बोले जा रहे हो आप तब से? सॉरी वो मेरी बहन थोड़ी सी ऐसी है। क्या क्या कहा तूने? मैं ऐसी हूँ सिद्धू बाजी, मैं ऐसी हूँ? ये तो बचपन से ही मेरी खूबसूरती से जलती थी। अजय जी कुत्ते से भी छोटी होती थी जब पैदा हुई, यहाँ बगल में रख के पूरा पूरा दिन लोगों के घर लोड़ी मांगने जाती थी इसके लिए, पर तूने तूने मुझे क्या दिया? ये ऐसी है, हैं? ऐसी हूँ? भूल गई कितने रिश्ते आते थे तेरे लिए? पाजी मैंने कहा, मैं कहा लड़का लड़की को ना 10 मिनट के लिए अकेले छोड़ दो, एक दूसरे को जान लेंगे। 10 मिनट तो दूर की बात इंद्र कुमार जी, लड़का 6 मिनट में बाहर आ गया, कहता पापा उठो मैं जुए में सब कुछ हार गया हूँ। जुए ही कहीं की। भाभी जब नोट फटा हो ना गड्डी के बीच में रख के चलाओ तो निकल जाता है, तो जहाँ बहुत सारी शादियां हो रही होती है सामूहिक विवाह, माँ भेज दिया करो ना, माँ शादी हो जाएगी। इन्होंने ट्राई किया था भाई, एक जगह 170 शादियां हो रही थी वहां पे चली गई, जैसे दुल्हनों ने देखा ना भाजी एक ही घोड़ी पे 150 दूल्हा बैठ के भागा। पता मैंने पहली बार शेरवानी पहन के मैराथन दौड़ते हुए देखे लोग। बस देवर जी बस, आप कौन हो जो मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने वाले? आपकी जरूरत कैसे हुई? आप ही तो बोल रही थी मैं उसकी बहन। आप उसकी बहन हो, आप सलवार पहनते हो, आप ऐसे करके सेफ्टी पिन से ये दुपट्टा लगाते हो, वो मेरी बहन है। ओह थैंक यू दीदी। देखा सर आपने, मोहल्ले में थोड़ी सी लड़ाई हुई कि नहीं, आ जाते ये ननद बन के। तू चुप कर। जब मैं उनको डांट रही हूँ तो फिर इतने बड़े बोले बीच क्यों डाल रही है तू? हाँ चल जा, भैंसों ने गोबर कर दिया। फिर बोलती दीदी जब ठंडा हो जाता तब कहते उठाने के लिए, गरम गरम मजा आता है। चल जा उठाने के लिए। जा। गई। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.